हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKSSB एग्जाम्स। मैं जाकिर हुसैन। आज का टॉपिक है हमारा साइंस सेक्शन का, जो क्लास फोर्थ के लिए एक अहम रोल अदा करेगा कल के एग्ज़ाम में। इस सेक्शन में कम से कम आपको 10 मार्क्स तो आएंगे, 10 मार्क्स का वेटेज रखता है साइंस पोर्शन। ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं का कंपाइलेशन मैं लेकर आया हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि SSC रेलवेज में, NTPC में, JKSSB एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वही लेकर मैं आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अपने क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चैनल पे जो नए दोस्त शामिल हुए उनसे गुजारिश की जाती है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर वो बाखबर रहें। चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स, स्पीड ऑफ लाइट, सैटेलाइट डिस्टेंस, स्पीड ऑफ रॉकेट्स। ऑप्शन में आपको ये भी आ सकता है डिस्टेंस या लाइट या एरोप्लेन्स या कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये डिस्टेंस या यूनिट है किसका। लाइट ईयर इज़ अ मेजरमेंट ऑफ, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट या मेजरमेंट ऑफ सैटेलाइट डिस्टेंस या डिस्टेंस। ऑप्शन सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी माइल्स। अगर हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर को माइल्स में, फिर आंसर क्या आएगा। इसका आंसर है 0.62 माइल्स। किलोहर्ट्ज़ is a unit which measures, kilohertz is a unit which measures power used by a current of 1 ampere, electromagnetic radio wave frequencies, voltage, electric resistance. Iska answer hai electromagnetic radio wave frequency, electromagnetic radio wave frequency. Aage badhte hain. 1 horsepower is equal to, 1 horsepower is equal to 746 watts, 748, 756, 736. इसका आंसर 746, 1 horsepower बराबर होता है। बार इज अ यूनिट ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। बार इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, हीट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या करंट। इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 joule इज इक्वल टू, 1 joule इज इक्वल टू 10^5 ergs, 10^3 ergs या 10^7। इसका आंसर है 10^7। किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर, किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर वर्क, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, करंट। इसका आंसर है पावर। अगर क्वेश्चन में आया होता किलोवाट पर आवर किसका यूनिट है, तो वो एनर्जी का होता, एनर्जी। न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। एक्रोनोमीटर मेजर्स कलर कंट्रास्ट, साउंड वेव्स, टाइम, वाटर वेव्स। कलर कंट्रास्ट कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर है टाइम। क्रोनोमीटर मेजर्स टाइम। आगे बढ़ते हैं। Which is a unit of speed of which of the following? Knot is a unit of speed of which of the following? Knot से हम क्या मेजर करते, साउंड वेव्स, शिप, लाइट वेव्स या एरोप्लेन। साउंड वेव्स, शिप या साउंड वेव्स। नॉट मेजर करता है स्पीड, शिप की स्पीड मेजर करता है नॉट। इसका आंसर है शिप। यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, शिप की स्पीड को मेजर करने के लिए नॉट का इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ते हैं। एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ओनली, प्रोटॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्ली, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्ली या न्यूट्रॉन्स। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्ली। आगे बढ़ते हैं। एसिटोप्स आर सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन। इसका आंसर है डिस्टिलेशन।
जो नोट अभी हमने क्वेश्चन में किया है, नोट किसका यूनिट है, वो स्पीड ऑफ शिप मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वन नोट बराबर होता है 1.5 नॉटिकल माइल्स पर आवर, माइल्स आवर। चलो आगे बढ़ते हैं। Who suggested that most of the atom is located in the nucleus? इसका आंसर है रदरफोर्ड। इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। How many colors the sunlight spectrum has? डिस्पर्शन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, बस वही क्वेश्चन है। How many colors the sunlight spectrum has? इसका आंसर है 7। Weber. आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर पेट्रोलियम फायर? विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर पेट्रोलियम फायर? आया हुआ क्वेश्चन जेके एसबीपीडब्ल्यू एग्जाम में। यस सैम, इसका आंसर है पाउडर टाइप। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन? इसका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन? क्या नेचर रबर है, स्टार्च है, सेलुलोज है, या नन ऑफ द अबव? या नन ऑफ द, इसका आंसर है नेचुरल रबर। आगे बढ़ते हैं। गिलास इज मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ, गिलास किसका बना हुआ होता है? क्वार्ट्ज एंड मिका, सैंड एंड सिलिकेट्स। गिलास सैंड का बना हुआ होता है, इसी में होते हैं सिलिकेट्स बहुत सारे, सैंड एंड सिलिकेट्स। Which is the most essential nutrient required for a woman during her initial stages of pregnancy for the prevention of birth defects? Thiamine, vitamin C, folic acid, vitamin E. Iska answer hai C, folic acid. The highest level of vitamin C is present in which of the following? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट? इसका आंसर है डी पार्ट, ब्लैक कुरांट्स। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एड इन ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में कौन सा विटामिन की जरूरत पड़ती है? इसका आंसर है विटामिन के। बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, बेरी बेरी विटामिन B1 होता है, इसका आंसर विटामिन B1 ही होता है। विच इज फैट सोलेबल, विटामिन के फैट सोलेबल है, BC। ट्रिक आप याद रख सकते हैं, जो आपको अच्छा ट्रिक लगे आप याद रख सकते हैं, मैंने भी ट्रिक याद रखी है। BC ये वाटर सोलेबल होते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ विटामिन है वो सब फैट सोलेबल होते हैं। नहीं, वो विटामिन के फैट सोलेबल, BC वाटर सोलेबल होते हैं, जो बाकी जो रेस्ट है वो फैट सोलेबल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पेलेग्रा। कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि नियासिन किस विटामिन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which is another name for cobalamin? Cobalamin, vitamin B12. आगे बढ़ते हैं। Best source of vitamin A is? इसका आंसर है sweet potato. आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a water soluble vitamin? Which of the following is a water soluble vitamin? इसका आंसर है all of the above। आप ऐसे याद रख सकते हैं, WBC वेस्ट बंगाल में कोलकाता आता है, वेस्ट बंगाल वाटर सोलेबल BC, वेस्ट बंगाल में कोलकाता आता है WBC। आगे बढ़ते हैं। द एंटी मलेरिया ड्रग क्विनिन इज मेड फ्रॉम ए प्लांट, द प्लांट इज? इसका आंसर है डी पार्ट, सिनकोना। आगे बढ़ते हैं।
एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज इटाइटाई प्लम्बिसम न्यूरोलॉजिया या बिसनोसिस। इसका आंसर है सी पॉट। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट। एड्स का टेस्ट होता है एलिजा टेस्ट, टाइफाइड टाइफाइड को होता है, मोन्टाकोस टीबी का होता है, और वेस्टर्नस्टैन ये प्लेग का होता है। मैच खुद ही कर लेना आंसर कौन सा आएगा। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन मलेरिया, और कौन सा, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस। आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वाज प्रिपेयर्ड बाय, जॉन इस सादक, इन्वेंशन नो, वैक्सीन का इन्वेंशन पहले इसी ने किया। मिनामोटा डिजीज कॉज्ड बाय मर्करी, एक पार्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज है, वायरस डिजीज। आगे बढ़ते हैं, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय सेल्मोनेला टाइफाई। 22. Ringworm is a disease caused by bacterial, protozoan, viral, fungal. Iska answer hai deeper fungal. The most malleable metal is malleable matlab jo sheets mein convert kar sakte hain, matlab jo hum virus mein convert kar sakte hain, wo kaun sa hai? Platinum, silver, iron. Sabse most hai gold. The heat energy produced when the human body metabolizes 1 gram of fat is 39 kilojoule. The ore which is found in abundance in India is सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ore India में कौन सा है? Monazite. The most evident rare gas in the atmosphere is helium, neon, argon, xenon. Rare gas इनमें से कौन है जो Earth atmosphere पे मौजूद है? Argon. The nucleus of a hydrogen atom consists of one proton only. The most commonly used bleaching agent is chlorine. Purification of water bhi chlorine se hoti hai. Which of the following phenomenon is considered responsible for global warming? Greenhouse effect. Kaun kaun se matlab gas mein paaye jaate hain? Water vapor, sulfur, nitrous oxide, carbon monoxide, etc. आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, द मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीरियडिटेबल में वो फ्लोरीन है। इसका आंसर फ्लोरीन है। द लॉ व्हिच स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्वड इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, गैसेस लॉ, हेनरी लॉ इज आल्सो कॉल्ड गैसेस लॉ, हेनरी लॉ। आंसर इसका, व्हिच गैस इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ वनस्पति घी, इसको कहते हैं हम हाइड्रोजनेशन। इसका आंसर है सी पार्ट, हाइड्रोजनेशन, H2 हाइड्रोजन। व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका आंसर है बी, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट्स, पहले ये इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, इंक्रीज फर्स्ट देन डिक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज ऑल्सो नोन एज स्वीट ऑयल ऑफ विट्रोयल, इसका आंसर है डाइथाइल एथर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, बस खाली याद रखना, डाइथाइल एथर, इसको हम स्वीट ऑयल ऑफ विट्रोयल भी कहते हैं। द मोस्ट मिलेबल मेटल इज, दिया हुआ है गोल्ड, इसका आंसर है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, जेके एस बी में आए हुए हैं, एस एस सी